सो आज हम आपको डेनी सेप्लेनको के टॉप 4 आर्म रेसलिंग वर्कआउट से रूबरू कराने वाले हैं और दिखाने वाले हैं खुद परफॉर्म करके। सो मेक श्योर कीजिए आप ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखें क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने ब्लॉग की ओर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जिम में वर्कआउट करने। करण भाई आए थे मुझे पिक करने। तो आज हम डेनिस सेप्लेनको के सारे आर्म रेसलिंग वर्कआउट जो भी है वो ट्राई करने वाले हैं जिम में। तो आपको अभी सीधा हम जिम में मिलते हैं। आपके अपने आम रेसलिंग चैनल पे, बट आज हम लोग थोड़ा बहुत है ना न्यूज को हटा के थोड़ा आम रेसलिंग के वर्कआउट कर रहे हैं। जो वर्कआउट हम लोग डेनिस सेप्लेनको को देखते हैं, डोवान लेरे को देखते हैं, उन सब के वर्कआउट आज हम करने वाले हैं। अंकित भाई क्या लग रहा है आपको, आपका कितना होगा? तो आपका क्या बाइसेप होगा, मेरा कितना होगा, करण का कितना होगा? तो आज अभी हम वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले बाइसेप्स नापेंगे और उसके बाद डेनिस सेप्लेनको का जो आर्म रेसलिंग का मस्त वर्कआउट है वो करेंगे। तो पहले मैं करण का नाप, क्या करेंगे आपने भाई? मैं थोड़ा सा विदाउट पंप। हाँ विदाउट पंप है, और पंप के बाद भी हम नापेंगे कि कितना है। जीत गया। पहले एक टाइम पे इसके बाइसेप्स उनसे बड़े थे, वो हैवी बाइसेप कर्ल है। तो जैसे कि ये वीडियो में भी आप देख सकते हो, डेनिस सेप्लेनको ने अपना वर्कआउट एकदम हैवी बाइसेप कर्ल से स्टार्ट किया है। तो हमारा फर्स्ट जो वर्कआउट हैवी बाइसेप कर्ल्स है, उसके बाद जो सेकंड वर्कआउट है हम देख सकते हैं उन्होंने कपिंग स्टार्ट किया है, जो हम कपिंग करते हैं जिम खुली में। सो हमारे पास आर्म रेसलिंग टेबल नहीं है, बट हम हमारा जो जिम का पूल है उससे एक कपिंग स्टार्ट करेंगे। सो थर्ड वर्कआउट हम लोग ने मारा था बैक प्रेशर का, हम लोग मारे थे बैक प्रेशर के लिए। और उसके बाद में फोर्थ वर्कआउट जिस टाइम मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था प्रोनेशन वाला, तो हमने वो प्रोनेशन किया था। तो ये चार वर्कआउट आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वर्कआउट जो है वो हैवी बाइसेप कर्ल्स है।
सो यहाँ पे मैं करण को सिखा रहा हूँ कि कपिंग किस तरह से प्रॉपरली करते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो आप भी देखिए और सीखिए। ये जो बैक प्रेशर का वर्कआउट है ये प्रॉपर, बहुत सारे लोग गलत फॉर्म में मारते, गलत नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा वो चीटेड फॉर्म होता है जैसे कि ये। सो बहुत सारे लोग को देखा होगा कि हाथ सीधा 90 डिग्री में लेके उठते हैं, उसमें इतना प्रेशर फील नहीं होता है। अगर हम हाथ अपना जो फ्लोर से परपेंडिकुलर रखेंगे, पैरेलल रखेंगे और वहां से उठाएंगे तो वो प्रॉपर बैक प्रेशर होगा। बताओ, डेमोंस्ट्रेट करो क्या अपना। हाँ, ये एंगल में अगर हम उठाएंगे ना प्रॉपर वेट लेके तो वो प्रॉपर हमारे ब्रैकियलिस पे आएगा, बैक प्रेशर पे आएगा, ठीक है। और गलत वाला फॉर्म पता, ये वाला गलत वाला फॉर्म पूरा जैसे मैंने उठा लिया और ऐसे लेके सिर्फ उठ रहे, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्या बोलते हो अंकित भाई? हमारे थोड़े से थर्ड स्पॉन्सर ठीक है, इनको हमने कहा था वीडियो बनाने को, ये भाई ये वर्कआउट कर रहे हैं भाई बट हमने एक बार बोला वीडियो बनाने और इन्होंने आईफोन 15 ले लिया है। थैंक्स भाई, हमारे लिए ले लिया है। कैसा है कि ये थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है करण भाई के लिए? ऐसा है कि ये थोड़ा सा हैवी पड़ चुका है करण भाई के लिए, बहुत बोल रहे थे बट 50 के जी भाई इजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली मैं जो घर पे वर्कआउट करता हूँ उसका पीआर है और देखते जाता है कि नहीं। Thank you.
जाएगा भाई, एक दिन जाएगा। सो रहे भाई, जाता है सो रहेगा। नहीं मशीन है ना भाई। सबसे पहले हमने किया था हैवी बाइसेप कर्ल, उसके बाद दूसरा था हमारा कपिंग, तीसरा था बैक प्रेशर और चौथा है प्रोनेशन। तो ये सारे वर्कआउट्स मिलके परफेक्ट आर्म रेसलिंग वर्कआउट। सो ये सारे वर्कआउट मिलके प्रॉपर अच्छा आर्म रेसलिंग वर्कआउट होता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो लास्ट वर्कआउट हम हमारा खत्म करते हैं। हाथी भूल गया था कौन सा ट्रेन कर रहा है। ये फुल स्टैक मारने का, तो देखते करण मार पाता है कि नहीं। भाई वो गंदा सा रुमाल हटा देना प्लीज। करण भाई को वीक समझता था, बट ये वीक नहीं है। इन्होंने तो मान लिया। उड़ गया था भाई। भाई चार मारा भाई। अंकित भाई वाले वर्कआउट से क्या होता है? क्या होता है मुझे क्या पता भाई, बता दो। के लिए हम इनफ करते हैं। आज प्रॉपर वर्कआउट हो गया है आर्म रेसलिंग का। तीनों पंप तो देखो मैंने, अरे हाँ अभी राइट हाथ का मारा था, इसने लेफ्ट का मारा था। हाँ अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो में नोटिस किया होगा तो, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पूरा ट्रेन कर रहा है। यस राइट को ही सिर्फ फोकस कर रहा हूं। हम लोग ने तो मोस्टली आर्म रेसलिंग का वर्कआउट किया है, बट हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि वर्कआउट के बाद हम हमारा बाइसेप नापेंगे। सो देखते हैं कि क्या पंप आया है। भाई पंप की जरूरत किसको है भाई, निकालो जल्दी पंप की। बैग इधर है ना, बैग उसमें है, निकाल टेप निकाल।
सो अंकित भाई कैसा लगा आपको बैक और बाइसेप मार के? मजा आ गया भाई? अंकित बयानपुरी। सो देखते हैं कि अभी मेरा क्या पंप है। शिट भाई, अंकित बयानपुरी का नाम खराब मत करो। सो अभी देखते हैं कि मेरा क्या बाइसेप साइज आता है। स्टार्टिंग में था 16। वैसे हमने आर्म रेसलिंग का वर्कआउट किया तो इतना तो पंप नहीं आएगा, बट लेट्स सी। 16 ही है। ठीक है, चलेगा। करण भाई का देखते हैं, बट मेरा बहुत ज्यादा होगा। अब अंकित भाई को दे दो। अंकित भाई का अभी आपको पता चलेगा असली पंप क्या होगा। भाई मैं भी एकदम टाइट ना आता हूं ना। ये तो कोई बात नहीं, मैंने टाइट नहीं ना मारा इस वक्त, ये तो दबा रहा है भाई। 15.5। सो 15.5 का आया इसका पंप। सो भी अच्छी बात है। देखा 15.5 तो घर से मार के आया था ना भाई। हाँ, घर से मार गया था। इसके लिए सोलह सोलह ही रहा भाई। सो आज का वर्कआउट वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में, जो भी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो और हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको भी फॉलो करो। डेली मोटिवेशन के लिए। बाय बाय।